हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है, जिसमें बेसिकली हम ये समझेंगे कि हम अभी तक सब लोग ये जानते हैं या जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, वो लोग ये जानते होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कम और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि वाई वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, हम लोग ये समझेंगे। मतलब ये तो देखो, सब लोग कोई कोई पढ़ता है, मतलब सब लोग कहीं से भी पढ़ता है कि क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हम। लेकिन मेरा कहना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हम सबसे पहले समझ लेते हैं, अगर किसी को नहीं पता है या अभी तक कोई नहीं जानता है, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि बेसिकली यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो ये होने वाला है कि वाई वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे कि वाई वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो मेरा कहना यहाँ पर क्या है कि लेट सपोज अगर हमारे पास कोई क्लास है एब्स्ट्रैक्ट, लाइक दिस, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो, ठीक है, और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो के अंदर मान लो कोई एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M1, ठीक है, इस तरीके से ये है। तो देखो, अगर किसी को नहीं पता है तो वो अभी जान ले, और अगर कोई पहले से जानता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोग हर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, हम लोग कोई भी नॉर्मल सी जावा में क्लास लेते हैं, लेट सपोज अगर कोई भी ये नॉर्मल सी क्लास है लाइक दिस, मान लो ये तो चलो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए, लेकिन कोई भी जावा क्लास होती है हम उसका ऑब्जेक्ट बना पाते हैं, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और अगर हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लाइक दिस, डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो, ठीक है, डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि क्या ये पॉसिबल है, मतलब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सीधा सीधा आंसर इसका है कि नो, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो अब बात आती है कि वाई, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि हम लोग अगर जावा में कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं द कोडर्स टीवी के ऊपर, तो सबसे पहले हम उसका रीज़न भी जानते हैं। तो अभी तक मे भी तुम लोग सुनते आ रहे हो कि होगे कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते यहाँ पर, या फिर ऐसे भी सुना होगा कि वी कांट इंस्टेंशिएट, ठीक है, बेसिकली एरर भी आती है, वी कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर हम लोग पहले के इसका एग्जांपल भी देखना चाहें तो पहले देख सकते हैं हम लोग, लेट सपोज हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक टेस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, अगर इस टेस्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट इसका जो है नहीं बनेगा, ठीक है, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्या बोल रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप टेस्ट, मतलब टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन अगर मान लो इसी यहीं पर ही अगर नॉर्मल क्लास होती, मान लो एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके अंदर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो देखो कोई एरर नहीं आ रही, मतलब बिना, मतलब नॉर्मल क्लास का तो हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम नहीं बना सकते हैं। तो अब मेरा कहना है कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम यही समझने वाले हैं। तो इसके पहले हमको सबसे पहले एक कहानी समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो कहानी क्या है वो देखो तुम लोग, लेट सपोज अगर हम एक क्लास लेते हैं हम देखो पुराने कॉन्सेप्ट्स कुछ यहाँ पर रिवाइज करने जा रहे हैं। अगर तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखी है पुरानी जो हमने, ये देखो अगर तुम लोगों को ऊपर दिखाएं, अगर देखो ये सारी कहानी जो है स्टोरीज हैं हम लोगों ने समझी है, ये देखो जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर ये स्टोरी थी, ठीक है, एक रॉयल एनफील्ड बाइक वाली स्टोरी थी, ठीक है, कहाँ गई वो रॉयल एनफील्ड बाइक वाली स्टोरी, ये देखो रॉयल एनफील्ड बाइक वाली स्टोरी है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट में चली आ रही है, ठीक है, रॉयल एनफील्ड की बाइक वाली स्टोरी, ठीक है। उसके बाद कौन सी स्टोरी है, उसके बाद हमने देखो मतलब बहुत सारी स्टोरी यहाँ पर, ये एक स्टोरी समझी थी, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर देखो, या हाँ देखो अगर तुम लोगों को एक चीज़ और याद होगा, देखो हमने मार्क करके रखा हुआ है, ये देखो हमने क्या मार्क करके रखा हुआ, यू कैन नॉट मेक ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमने क्या कहा था कि एक इस कॉन्सेप्ट को मार्क कर लेते हैं और एक नीचे ये वाले कॉन्सेप्ट को, कि इफ क्लास कंटेन्स एटलीस्ट, ये तो खैर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाले को आज हम कवर करने वाले हैं। हमने पुरानी वीडियोज़ में देखो इसको मार्क करा था पर्पल कलर से, ये कि यू कैन नॉट मेक ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो आज इसका हम रीज़न जानने वाले हैं वाई,
ठीक है, आज इसका हम वाई जानने वाले हैं, ठीक है। और अगर ये पुरानी स्टोरीज जो हैं, ये जो हमने डिस्कस करी हैं, अगर ये तुम लोगों ने नहीं देखी है, देखो ये क्लास कार फैक्ट्री करके बनाई थी यहाँ पर, तो ये जा कर के पहले समझ लेना, ठीक है, ताकि तुम लोगों को चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएँ। और ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग आज की बात करने वाले हैं। लेट सपोज हम पुराने एग्जाम्पल एक रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। हमने पुराना एग्जाम्पल क्या रिपीट किया, लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पर क्लास है, ठीक है, हम जो है कौन सा कलर ले लें, येलो ले लेते हैं। चलो लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पर क्लास है, एक सेकंड, ये हाँ, लेट सपोज एक हमारे पास यहाँ पर क्लास है बाइक फैक्ट्री, ठीक है, बाइक फैक्ट्री नाम से क्लास है, ठीक है। हमें पता है कि बाइक चाहे कोई सी भी हो, वो बाइक चाहे तुम्हारी R15 हो, ठीक है, वो बाइक चाहे तुम्हारी यामहा की कोई बाइक हो, मतलब कोई भी बाइक हो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इतनी बाइक का नाम नहीं पता, वो बाइक या तो तुम्हारी अपाचे हो, ठीक है, या फिर वो बाइक तुम्हारी BMW की बाइक हो, ठीक है, या फिर एक वो नॉर्मल सी क्या हो, स्कूटी, ठीक है, होंडा की मान लो कोई भी, या फिर वो कोई सी भी स्कूटी हो। अब इन सारी बाइक्स में कौन सी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सब में कॉमन है, R15 के पास भी टायर होते हैं, टू टायर, ठीक है, यामा के पास भी क्या होता है, टू टायर होता है, ठीक है, अपाचे के पास भी क्या होता है, टू टायर होता है ना, दो ही टायर तो होते हैं अपाचे के पास, कोई भी गाड़ी ले लो सेकंड, मतलब टू व्हीलर, उसका नाम भी देखो टू व्हीलर ही इसीलिए है क्योंकि उसके पास दो ही टायर होते हैं। तो ऐसे करके कोई भी अगर गाड़ी ले लो, सबके पास दो टायर होते हैं। तो हमें पता है कि अगर मान लो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास ले रहे हैं, मान लो अभी तो चलो नॉर्मल क्लास है, हम लोग अगर मान लो कोई एक क्लास ले रहे हैं बाइक फैक्ट्री, तो बाइक फैक्ट्री बेसिकली, अगर बाइक फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो बाइक फैक्ट्री में हम क्या रख सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ प्रॉपर्टी रख सकते हैं जो हर हर बाइक के पास होगी। वो प्रॉपर्टी लेट सपोज है टायर, वॉइड, वॉइड, वैसे ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पुरानी वीडियो में, तो कुछ लोग समझ गए होंगे। लाइक अगर लेट सपोज हम यहाँ पर ले लें और इसके अंदर लिख दें टू टायर इस तरीके से, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट सपोज एक चीज़ और समझ लो कि हर हर कोई भी यहाँ पर टू व्हीलर होगा, उसके पास एक चीज़ और कॉमन होती है, क्या होती है, हर टू व्हीलर के पास एक इंजन होता है, ठीक है, यामा के पास भी एक इंजन होगा, ठीक है, इस तरीके से अपाचे के पास भी एक इंजन होगा यहाँ पर, ठीक है, एक इंजन यहाँ BMW वाली बाइक के पास भी होगा, और एक इंजन यहाँ पर स्कूटी के पास भी होगा। तो मतलब एक स्कूटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसमें हम सबके पास कोई ना कोई इंजन होता है। अब देखो छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, माना स्कूटी का इंजन की लेवल अलग होता है और BMW का इंजन का लेवल अलग होता है, ठीक है, लेकिन हम एग्जांपल के तौर से समझ रहे हैं। तो मान लो एक एग्जांपल, यहाँ पर हमने मेथड ले लिया वॉइड इंजन, ठीक है, अब इसके अंदर हमने लिख दिया कि वन इंजन, ठीक है, वन इंजन, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद एक बात ये आती है, दूसरी बात, कि अब एक ऐसी प्रॉपर्टी सोचो जो R15 के पास अलग होती है, यामहा के पास अलग होती है, अपाचे के पास अलग, BMW के पास अलग, और होंडा स्कूटी के पास अलग होती है, ऐसी कोई एक प्रॉपर्टी सोचो। तो लेट सपोज ऐसी हम कोई भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लाइक टैंक कैपेसिटी मान लो ले लो, ऑयल की जो टैंक कैपेसिटी होती है, R15 की टैंक कैपेसिटी कितनी है, मान लो R15 है, उसकी टैंक कैपेसिटी कितनी है, मान लो उसकी टैंक कैपेसिटी है 7 लीटर की, 7 लीटर, ठीक है, यामा की टैंक कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर, ठीक है, अपाचे की टैंक कैपेसिटी कितनी है, मान लो 10 लीटर, BMW की टैंक कैपेसिटी कितनी है, मान लो 6 लीटर, ठीक है, और स्कूटी की टैंक कैपेसिटी कितनी है, मान लो 2 लीटर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, एक ऐसी प्रॉपर्टी, देखो इसको अलग से हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये जो टैंक कैपेसिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो हर बाइक टू बाइक वेरी कर रही है, ठीक है, देखो अपाचे के पास क्या है, 10 लीटर की टैंक है, BMW के पास क्या है, 6 लीटर का टैंक है यहाँ पर, ठीक है, और स्कूटी के पास क्या होता है कि 2 लीटर का यहाँ पर टैंक है बेसिकली। तो जो प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बाइक टू बाइक डिफर करे, उसको हम क्या लिख देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। तो इसका मतलब एक ऐसा मेथड ले लें, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड टैंक कैपेसिटी, मान लो टैंक कैपेसिटी,
एक ऐसा मेथड ले लिया जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। अब हमने इसकी बॉडी क्यों नहीं प्रोवाइड करी है, क्योंकि यार देखो अगर हम टैंक कैपेसिटी की बॉडी प्रोवाइड कर देते और इसके अंदर हम लेट सपोज इस तरीके से लिख देते लाइक 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी, या मान लो हमने लिख दिया 10 लीटर की, तो यार देखो अपाचे को तो 10 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, लेकिन यामा वाला क्या बोलेगा, भाई हमें 5 लीटर की चाहिए। R15 वाला क्या बोलेगा, हमें 7 लीटर की चाहिए। BMW क्या बोलेगा, हमें 6 लीटर की टैंक कैपेसिटी चाहिए। तो इसका मतलब हम अलग अलग सबकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देंगे एक टैंक कैपेसिटी का। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बेसिकली वही मेथड होता है जिसमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिफर करें। देखो इंजन और टायर ये तो प्रॉपर्टी सेम थी हर बाइक के पास, मतलब टू टायर और वन इंजन हर बाइक के पास था, ठीक है, लेकिन टैंक कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, तो हमने इसलिए इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब हमें एक चीज़ और पता है, अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, तो हमने क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है। अब बात यह आती है कि यहाँ पर अगर हम बाइक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेट सपोज हमने यहाँ पर बाइक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना दिया लाइक दिस, बाइक फैक्ट्री बी फैक्ट इक्वल्स टू न्यू बाइक फैक्ट्री, इस तरह से, ठीक है, हमने बाइक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना दिया। और लेट सपोज इन केस अगर हम ये बाइक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना के इंजन मेथड को हमने कॉल किया, तो क्या हमें कुछ उसका फ़ायदा हो गया, कुछ फ़ायदा होगा, इज़ देयर एनी बेनिफिट टू कॉल इंजन मेथड। अगर हम बाइक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना के इस इंजन मेथड को कॉल करते हैं तो क्या कोई फ़ायदा है? अच्छा छोड़ो, पहले और किसी की बात करते हैं। लेट सपोज हमने इंजन छोड़ दिया, अभी इंजन को हम कॉल नहीं करेंगे, हम बाइक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना के टायर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कुछ फ़ायदा है? हमने टायर को कॉल किया, हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, टू टायर मिल जाएगा प्रिंट होके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो कि अगर हम यहाँ पर टायर का ऑब्जेक्ट ना बनाने के बजाय इंजन को कॉल कर रहे हैं, अगर मान लो ऑब्जेक्ट नहीं कह रहे हैं, इंजन को कॉल करें, अगर हम इंजन को कॉल करेंगे तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट में क्या मिल जाएगा, वन इंजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आउटपुट मिल गया। अब बात आती है कि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, बात देखो प्रॉब्लम कहाँ थी, अगर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अगर कॉल कर रहे हैं लाइक दिस, टैंक कैपेसिटी को अगर हमने कॉल किया, तो टैंक कैपेसिटी को कॉल करने के बाद क्या हम कुछ अचीव कर पाएंगे, ये सब बताओ, क्योंकि ये मेथड तो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है ना, मतलब इस मेथड की तो बॉडी भी नहीं है, तो ये मेथड तुमको कुछ प्रिंट करके भी नहीं देगा, तो तुम इसको कॉल करके क्या अचीव कर लोगे? देखो तुमने इंजन को कॉल किया, यहाँ तुम्हारी प्रिंट स्टेटमेंट में टायर लिख के आ जाएगा, तुमने अचीव कर लिया। तुमने मान लो इसको इंजन सॉरी टायर को कॉल किया था, अगर तुमने इंजन को कॉल किया तो तुम प्रिंट स्टेटमेंट में तुम्हारा वन इंजन लिख के आ जाएगा, तो तुमने मतलब इससे भी अचीव कर लिया, तो इसका मतलब तुम नॉन बॉडी बॉडी वाले मेथड को कॉल करके तो तुम अचीव कर सकते हो, प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी क्योंकि उसकी बॉडी है, वो मेथड इम्प्लीमेंटेड है, उसके पास बॉडी है, ठीक है। लेकिन ऐसा मेथड जिसके पास बॉडी ना हो जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, तो उस मेथड को तुम यहाँ से कॉल करके क्या अचीव कर पाओगे? कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये डिसाइड किया गया जावा को बनाते टाइम कि अगर मान लो कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाया जाए, ठीक है। इसका रीज़न बेसिकली यही था कि अगर मान लो कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो कोई इस मेथड को यहाँ से कॉल ना कर पाए, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन को रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो किसी ने ऑब्जेक्ट बना भी लिया यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, और अगर उसने मान लो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल कर लिया, तो उसको अचीव क्या होगा? कुछ उसको वो कुछ फ़ायदा होगा, उसको कुछ हासिल होगा, कुछ अचीव होगा? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास तो बॉडी होती नहीं है, तो अगर वो उसको कॉल भी कर लेगा तो प्रिंट तो कुछ होएगा ही नहीं, ठीक है, प्रिंट ही नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इंजन को कॉल करते हो तो प्रिंट हो जाएगा, टायर को कॉल करते हो तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जावा वालों ने ये डिसाइड किया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम देखो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तुम लोगों को समझा रहे हैं, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर मान लो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ, जैसे कि यहाँ पर ये है,
तो इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करके क्या तुम कुछ अचीव कर पाओगे यहाँ से? तुमने जो कॉल किया कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास बॉडी नहीं होती है, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास बॉडी नहीं है, ठीक है? जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास बॉडी नहीं है तो इस मेथड को कॉल करके कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें प्रिंट स्टेटमेंट में मतलब तुम्हें कुछ आउटपुट तो मिलेगा ही नहीं ना। कुछ भी तुम्हारा जो आउटपुट होगा उस मेथड को कॉल करने पर वो तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं भाई। देखो कोई फायदा होता है तभी तो उस मेथड को कॉल करेंगे ना। आप जैसे टायर को कॉल किया हमने, तो हमें यहाँ पर प्रिंट में स्टेटमेंट में कुछ आउटपुट मिला, ठीक है? हमने इंजन को कॉल किया तो हमें आउटपुट मिला कुछ ना कुछ। लेकिन अगर मान लो हम एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट बना करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करें तो क्या उसका कुछ फ़ायदा होगा? उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए जावा के डेवलपर्स ने डिसाइड किया कि एब्स्ट्रैक्ट मैथ क्लास की एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। अब अगर इस चीज़ को कोड में करके दिखाएं तो लेट सपोज तुम्हारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट है, हमने अभी समझा था, इसीलिए हम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल वीडियो थी, क्योंकि इसमें हमें ये एक्सप्लेनेशन तुम लोग को देना था, तुम लोगों को प्रूफ मतलब समझाना था कि वाई वाई बताना था तुम लोगों को इस वीडियो का। तो इस वीडियो में बेसिकली हमको कोडिंग नहीं करनी थी। इस वीडियो का मेन मकसद क्या था, इस वीडियो का मेन पर्पज़ क्या था कि इसमें तुम लोगों को वाई बताना था, ठीक है? कि वाई वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है? तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बना सकते कि अगर मान लो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा और अगर किसी ने उसको कॉल कर लिया यहाँ से, जैसे यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं, अगर कॉल कर लिया तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को हम नहीं बनाते हैं। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना कुछ भी नया सीखने को मिला हो, और आगे कैसी वीडियो एक्सपेक्ट करते हो तुम लोग, क्या चाहते हो कि इस चैनल पर आए वो भी बता सकते हो। तो आई होप कि अच्छी लगी हो वीडियो, तुम लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।